हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 67वीं बीपीएससी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस आपका क्या रहेगा और साथ ही साथ आपके किस टॉपिक से जो है सबसे अधिक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पे बीपीएससी परीक्षा के चरण के बारे में। तो ये परीक्षाएं जो होती है ये तीन चरण में आयोजित होती हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो यहाँ पर देखिए, सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा ताकि इसे बार बार देखिएगा तो ध्यान में रहेगा कि ये चीज़ें होती है बीपीएससी में। तो बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वो 150 अंक का होता है, ये सभी को पता है। जो प्रीलिम्स होती है 150 अंकों की होती है, उसमें से 140 प्रश्न जो होते हैं जीके जीएस से होते हैं और उसके बाद 10 प्रश्न जो बचे वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। इस परीक्षा में पास होने के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए मतलब एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा होती है वो 900 अंकों की होती है, हालांकि इसमें 100 अंकों का एक पेपर होता है सामान्य हिंदी का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, उसे इसमें नहीं जोड़ा जाता है। यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें वो हिंदी का अंक को नहीं जोड़ा जाता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद जब आप मुख्य परीक्षा को पास कर जाते हैं तो तीसरा चरण आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ये 120 अंक का होता है। तो इससे रिगार्डिंग जितने भी तथ्य होंगे वो सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य परीक्षा के जो अनिवार्य विषय हैं वो कौन कौन से हैं, मुख्य परीक्षा में कौन कौन से अनिवार्य विषय हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं सामान्य हिंदी, ये 100 अंक का होता है, मैंने आपको बताया, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क्स जो होता है वो आपके मेरिट लिस्ट में जो बनकर तैयार होता है उसमें ये नहीं जोड़ा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ये 300 अंक का होता है। उसके बाद परीक्षा होती है समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 का, ये भी 300 अंक का होता है। उसके बाद आता है ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल, जो भी आप ऑप्शनल का चुनाव करेंगे, देखिए ऑप्शनल से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके मन में बनते होंगे, सर ऑप्शनल का चुनाव कब होता है, ये वो बहुत सारे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लें। तो देखिए, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है यानी कि ऐच्छिक विषय, जब आप पीटी के लिए जब फॉर्म भरते हैं बीपीएससी के लिए पहले ही चरण में जब पीटी का फॉर्म भरा जाता है उसी समय आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप ऑप्शनल के तौर पर कौन सा सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई और बात रही कि कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पर लें, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपने जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है उसी सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल के तौर पर लें। हाँ, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है कि आपने जिससे ऑनर्स किया है वही आपका ऑप्शनल पेपर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री वाला पॉलिटी भी ले सकता है, इसमें कोई प्रकार की दो मत नहीं है। और यहाँ पर रही ऐच्छिक विषय की बात, तो अब जो है वर्तमान समय में ये 300 अंकों का सिर्फ एक पेपर होता है, लेकिन कुछ दिन पहले पुराने समय में यानी कि पुराने सिलेबस में ये ऐच्छिक विषय 200 अंकों का दो पेपर होता था, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ये नया है और इसमें एक पेपर होता है 300 अंकों का। और उसके बाद आता है व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि साक्षात्कार, और ये 120 अंक का होता है। तो मैंने आपको बताया कि सामान्य हिंदी का अंक इसमें नहीं जोड़ा जाता है, और इस प्रकार सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और ऐच्छिक विषय और इंटरव्यू को मिला के कुल हमारे 1020 अंक बनते हैं, और यही 1020 अंक के आधार पर जो हमारा फाइनल सूची यानी कि मेरिट सूची बन के तैयार होता है और इसके अनुसार आपको विभिन्न क्षेत्रों में जॉब मिलती है। तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बीच जो फासला है वो 1020 अंक का है, ये दोनों मिला के 1020 अंक बनते हैं और यही आपका सिलेक्शन करवाता है। अब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2, ऐच्छिक विषय, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य टॉपिक जो हैं वो है निबंध, तो उससे आपको 30 अंक मिलेंगे, 30 अंक का ये पूछा जाता है, और वाक्य विन्यास 25 अंक का, और शब्द संक्षेपण यानी कि सारांश लिखने के लिए जो कहा जाता है ये आपका 15 अंक का होगा। तो ये इसका सामान्य हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण जो है मतलब कि केंद्र बिंदु कह सकते हैं, आप अगर ये इन सभी चीज़ों पर केंद्रित रहेंगे तो आपका सामान्य हिंदी का पेपर जो है आप एकदम आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए, सामान्य हिंदी का अगर
देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समान हिंदी हो गया और प्रश्न पत्र 1 2, ये सभी पर एग्ज़ाम आपका होगा, सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके, लेकिन सबसे पहला जो आपका कॉपी जांच होगा वो होगा समान हिंदी का। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करके मेंस का एग्ज़ाम देंगे, मेंस का सभी एग्ज़ाम होगा सिवाय इंटरव्यू को छोड़ के, आपका सभी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका जो आंसर जो चेकिंग होगा, कॉपी जांच चेक होगा, वो समान हिंदी का सबसे पहले होगा। अगर आप समान हिंदी में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपका यहाँ पे दिख रहा है समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 ये वाली, अध्ययन समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 ऐच्छिक विषय, ये सब कोई कॉपी चेक नहीं होगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं उसके बाद ये सब कॉपी आपका चेक नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि समान हिंदी के अंतर्गत ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे आपको कवर करना है। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आप यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में समान अध्ययन पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या चैप्टर होंगे। तो इसके अंदर भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ताकि आप लोग देखें बार बार, आप लोग बीपीएससी सिलेबस सर्च मारते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इन सभी के अंतर्गत जो आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति है, ये सभी समान अध्ययन पेपर 1 के अंतर्गत आपको जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर आएंगे या फिर कह सकते हैं कहाँ से प्रश्न आएंगे वो आप एक बार देख लीजिए, इसकी रूपरेखा क्या है। तो आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में, तो आधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। उसके बाद बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यह प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण आंदोलन तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। ये सभी चीज़ें आपके मन में एकदम से आपको कंठस्थ याद रखना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो इसलिए इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद और मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और शक्तियों का निरूपण करने संबंधी प्रश्न होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी इसे आराम से देख पाएंगे। तो यह हो गया समान अध्ययन पेपर 1 का बात, अब हम यहाँ पे पेपर 2 को देखेंगे। तो ये समान अध्ययन पेपर 2 के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा होगा वो भारतीय राजव्यवस्था, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और नेक्स्ट है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ये महत्वपूर्ण ये चैप्टर हैं। अब इसके अंतर्गत हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। तो कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे, तो इसके अंतर्गत भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की बिहार के विशेष संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड, भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। और उसके बाद अगला है भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे, और भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। यहाँ पे जिन में गलती से लिखा गया इनमें होगा, और साथ ही इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया समान अध्ययन पेपर 1 पेपर 2 के बारे में और प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बात आई है कि अभी चर्चा चल रहा है कि सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं। तो देखिए अभी ऐसा कोई न्यूज़ बोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया है, कोई अगर अधिसूचना जारी की जाती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी जो पुराना फॉर्मेट है सिलेबस का, आप उसके अनुसार ही तैयारी कीजिए, इसमें कोई एकदम से शंका में मत रहिए, नहीं तो आपका इधर भी छूट जाएगा उधर भी छूट जाएगा। इसीलिए पुराना जो सिलेबस है उसके अनुरूप कीजिए तैयारी। और रही बात यहाँ पे अब समान अध्ययन पेपर 1 पेपर 2 का हो गया, अब ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल की बात आती है। तो ऑप्शनल के अंतर्गत क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो ये सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से किसका ऑप्शनल क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे कि आपने हिस्ट्री ऑप्शन लिया तो हिस्ट्री लिख के कमेंट कीजिए, सर मेरा हिस्ट्री है। तो देखिए जिस भी, जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री का अगर अधिक कमेंट रहेगा तो मैं हिस्ट्री पे सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। अगर ज्योग्राफी किसी का है तो ज्योग्राफी लिख के कमेंट कीजिए तो मैं ज्योग्राफी पे बनाऊंगा। तो जिस पे ज़्यादा बहुमत होगी मैं उस पे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। वीडियो बनाने लगभग देखिए
आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, आज से 2 दिन 4 दिन के बाद मैं ज़रूर आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लगे कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है और आपको समझ में नहीं आ रहा सिलेबस के कैसे हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, तो आप मुझे बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीपीएससी का सिलेबस यूट्यूब पर सर्च करते हैं, अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी महत्वता भी उसके सामने बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत कम समय में मैंने इसके एकदम से अच्छे अच्छे चीज़ों को आपको समझाया है कि क्या पढ़ना है। ये सभी जो तथ्य लिए गए थे, इसका सोर्स था बीपीएससी का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इसे लिया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।